हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। टुडे वी विल लर्न अबाउट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आज हम लोग गणित की भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैथ की पेडागोजी के चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो छोटा ही टॉपिक है आज, ठीक है, लेकिन समझने वाला है। अगर आज आपने समझ लिया तो आपको इसके बाद फिर समझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस हम इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं गणित की भाषा लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। जैसे हिंदी भाषा है मैथमेटिक्स की, उसी प्रकार भी एक अपनी स्वयं में एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, तो सभी की तो मैथ जो है उसकी भी अपने आप में एक लैंग्वेज क्या है वो पढ़ते हैं। गणित एक विधेय के साथ साथ एक भाषा के रूप में भी प्रचलित, मतलब जो मैथ है सब्जेक्ट तो है, भाषा कैसे है वो जानते हैं। गणित को विभिन्न नियमों व चिन्हों द्वारा गणित को विभिन्न नियमों व विभिन्न चिन्हों द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। गणितीय भाषा गणित की जटिलताओं को समझने व तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। जो गणित है, जो गणित की जो मतलब जटिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है मैथमेटिक्स की, तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं मैथ की लैंग्वेज को समझकर, ठीक है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। तार्किक चिंतन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। तो मैथ को समझने के लिए, मैथ को अच्छे से प्रकार से करने के लिए हमें मैथ की जो है लैंग्वेज को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब गणित की भाषा कैसी होती है? गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल होती है, मतलब अगर इंडिया में इसका मतलब गुणा है, ठीक है, इसका मतलब अगर गुणा है तो चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, सभी जगह इसका मतलब गुणा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल है, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे अगर 3 × 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 भी हमेशा रहने वाला, सभी जगह रहने वाला, ये चेंज नहीं होता है। इसलिए इसे कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, वो यूनिवर्सल होती है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक को गणित पढ़ाने से छात्रों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ अनुभव करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब कि टीचर को जब क्लासरूम में पढ़ाने जाए या कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाए, तो अगर अमूर्त है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि बच्चे को जो फिजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, मूर्त चीज़ें हैं, उनके साथ बच्चों को खेलने के या दिखाई दिखाना चाहिए, बच्चों को अवसर देने चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे वो समझ सके कि प्रत्यक्ष में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज है और क्या चीज़ें होती। जैसे हम घनाभ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, अब घनाभ पढ़ाने जा रहे हैं, क्यूबॉर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे ने अगर देखा नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको जैसे ब्रिक है, मतलब ईंट है, ठीक है, और रूम है जिसमें हम बैठे हैं, तो जो रूम है, ब्रिक है, ये चीज़ें किसका उदाहरण है, जो क्यूबॉर्ड का ही उदाहरण। तो आप इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं कि जिस रूम में हम बैठे हैं तो एक एक क्या एक कीबोर्ड है, तो प्रत्यक्ष अगर आपने उसको रिलेट करा दिया कि देखिए जिस रूम में हम बैठे हैं इसमें 8 कॉर्नर हैं और जो 12 है वो साइड्स है और 6 जो है वो फेसेस है, तो ये एक कीबोर्ड है, ये एक घनाभ है। क्या है? घनाभ है। अब आप इसके फार्मूला को पढ़ाइए, इसके बारे में अंदर से पढ़ाइए डिटेल में जाके, तब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपने उसको प्रैक्टिकली बता दिया। अब आगे चलते हैं। बच्चों को गणित मूर्त से अमूर्त, बच्चों को गणित कैसा पढ़ाना चाहिए? बच्चों को गणित मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की ओर पढ़ाना चाहिए। मूर्त का मतलब वही होता है जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें मूर्त कहते हैं, और जो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं उनको हम अमूर्त कहते हैं। जैसे अभी मैंने घनाभ वाला उदाहरण लिया था कि जो रूम है, ठीक है, रूम का आपने एग्जाम्पल ले लिया, तो रूम क्या हो गया? रूम तो मूर्त है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो कंक्रीट है। अब बाद में रूम जो है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे,
वॉल्यूम मतलब एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, वॉल्यूम का यही तो एरिया होता है, वॉल्यूम बी एल एच, ठीक है। लेटरल सरफेस है इसके एफ प्लस बी बराबर ई प्लस टू, एफ प्लस बी बराबर ई प्लस टू निकालेंगे, इसका मतलब क्या था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एफ प्लस बी, एफ का मतलब फेस, बी का मतलब वर्टेक्स, बराबर होते हैं, तो कोई भी अगर आकृति है शेप है उसकी वर्टेक्स और उसके फेसेस का जो सम होगा वो उसकी इंच और प्लस में टू कर दो के बराबर ही होने वाला है। तो ये चीजें सब क्या है, ये चीजें हमारे माइंड में है, कॉन्सेप्ट में है, अब्स्ट्रैक्ट है, तो इन्हीं को हम कहते हैं समूह। तो सबसे पहले हमने घनाभ के बारे में बताया, रूम का एग्जाम्पल लेकर, फिर हमने वॉल्यूम निकालना बताया, ये फार्मूले बताए, ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर हमेशा, ठीक है। अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त। अब गणित की भाषा में क्या क्या होता है, गणित की भाषा में पद होते हैं जिनको अंतरण से बोलते हैं, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, थ्योरीज हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सिद्धांत है, थ्योरी सूत्र है, फार्मूली है, ठीक है। जी प्लूरल लिखा है, फार्मूली ही वर्ड होता है प्लूरल में, जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं एफ ओ आर एम यू एल ए फार्मूला, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूली है, ये समझो कि इसकी स्पेलिंग गलत हमने लिखी, स्पेलिंग गलत नहीं सही है। तथा संकेत साइंस आदि आते हैं। तो गणित की भाषा में क्या क्या आते हैं, गणित की भाषा में पद आते हैं, प्रत्यय आते हैं, सिद्धांत आते हैं, सूत्र आते हैं, संकेत आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को प्राइमरी में भी 2014 में पूछा गया था और जूनियर में 2015 में पूछा गया था, तो बहुत अच्छे से करना है, काफ़ी लंबा चौड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है, समझने में तो ये हमसे बन जाएगा। तो प्राइमरी लेवल पे भी पूछा गया सेम क्वेश्चन और जूनियर में भी है। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए चार चरण है, मतलब कि आपको क्लासरूम में बच्चों की मैथ में लैंग्वेज को डेवलप करना है, तो आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे ये बताएंगे। पहला ऑप्शन प्रतिदिन की भाषा, मतलब कि जो बच्चे की प्रतिदिन की भाषा जो डेली लैंग्वेज है जो रियल लाइफ में वो बोलता है, उसके बाद गणितीय परिस्थिति की भाषा, ठीक है, कैसे हमको गणित पर अप्लाई करनी है, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, और प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक मतलब भाषा वही होती है जैसे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए बी, लेंथ के लिए एच, हाइट के लिए एच, लेंथ के लिए एल और हाइट के लिए एच, ये क्या है, ये प्रतीकात्मक भाषा है। पहले बच्चे की प्रतिदिन भाषा, गणित परिस्थिति की भाषा का मतलब कोई शेप अगर आकृति आपने देखी तो उसमें आप कैसे मैथ को अप्लाई करें, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, पहले तो उनको समझना परिस्थिति को कि यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, घन बन रहा है, घना बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, कौन सी शेप बन रही है, कौन सी आकृति बन रही है, फिर इसको हल करना, हल करने के लिए लैंग्वेज लगानी है कि इस पर फार्मूला क्या होगा, कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी, फिर आप जिस साइन जो अभी मैंने बताए थे कि बी है एरिया के लिए ए है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये चारों है, आप पढ़िए आराम, इन चारों पदों को आपको लगाना, पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा प्रतिदिन की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। थर्ड ऑप्शन प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। फोर्थ क्या है, प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। तो आपको क्रम लगाना है कौन सा होगा, अभी चार है, चार ऑप्शन है, चार हमें क्रम लगाइए कौन सा क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या था कि बच्चे की जो डेली लाइफ है जिस भाषा में वो रियल लैंग्वेज में बात करता है, पहले तो उस भाषा में बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी भाषा में इसको क्या कहते हैं। जैसे रूम है, रूम को हम लोग घनाभ कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है, क्यूबॉइड, तो बच्चे अपनी भाषा में
रूम जानता है, कमरा जानता है, वो कमरा जानता है, ठीक है। तो प्रतिदिन की भाषा में क्या है उसका कमरा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। गणितीय परिस्थिति की भाषा का मतलब अब क्या उसने समझ लिया कि इसमें एक बार हमने घनाभ पढ़ा था, ठीक है। घनाभ के बारे में सबने बताया था कि 12 जो होते हैं वो साइड्स होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो उसने रूम में भी कर दी, ठीक है। गणितीय उसने सोचा कि जब इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये भी क्या है, एक घनाभ है। फिर गणित की समस्याओं को हल करने, तो इतना तो उसने समझ लिया, परिस्थिति तो समझ ली कि परिस्थिति तो वही घनाभ भारी बन रही है। सेकेंड स्टेज पर आ गया थर्ड, गणित की समस्या को हल करने की भाषा। अब उसने समझ तो लिया घनाभ है जी, अब घनाभ की लैंग्वेज इसने अप्लाई की। घनाभ की लैंग्वेज कि घनाभ को हम कैसे करते हैं, घनाभ में फेस होते हैं उनका एरिया कैसे निकालते हैं, फिर जब एरिया निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मतलब आयतन कैसे निकालते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो फिर उसने यहाँ पर पहुँचा समस्याओं को हल करने की भाषा। और फिर लास्ट में ये भी समझ गया, फिर उसने क्या कहा, अच्छा वॉल्यूम के लिए बी लगाए, लेंथ के लिए एच, हाइट लेंथ के लिए एल, हाइट के लिए एच लगाना। तो फिर इस प्रकार से उसने आके समस्या को हल कर पाया। तो इसमें कौन सा चरण सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले तो देखो लगा के दिया है कि प्रतिदिन की भाषा, सभी में प्रतिदिन की भाषा, प्रतिदिन की भाषा, प्रतिदिन की भाषा। सेकेंड स्टेप पता क्या होगी, गणितीय परिस्थिति की भाषा की वो अपने डेली लैंग्वेज से ऐड कर पाए, जोड़ पाए। फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, साइन लैंग्वेज, ये जो अभी हमने बताया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। जिनकी समझ में ना आया हो एक दो बार वीडियो को और चला के देख ले, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, प्राइमरी और जूनियर दोनों में पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास हमारी बहुत छोटी थी, चलिए तब भी 12 मिनट हो चुके हैं, क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो अभी तो मैंने अभी एक क्वेश्चन किया, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं।